क्रेडाई नागपुर मेट्रो के अध्यक्ष विजय दरका ने प्रेस वार्ता में निर्माण सामग्री की कीमतों में भारी वृद्धि को लेकर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि इस मूल्य वृद्धि का कंस्ट्रक्शन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन मूल्य में 20-30% की वृद्धि हुई है और प्रॉपर्टी में भी लगभग 300 रुपए प्रति स्क्वायर फुट की मूल्य वृद्धि आगामी महीनों में निश्चित है। बांधकाम निर्माण सामग्री की कीमतें पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ रही है और इसने बांधकाम व्यवसाय को भी प्रभावित किया है। डेवलपर जो अपने ग्राहकों को सर्व सुविधा युक्त परिसर कम कीमत में देने के लिए प्रयासरत है, उनके लिए निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें कठिनाई पैदा करी है और प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य है। मुख्य रूप से सीमेंट, रेत, स्टील, लोहा आदि निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ी है। डेवलपर्स का कहना है कि इन बढ़ती कीमतों ने उनके प्रोजेक्ट को नए ऑफर्स के साथ आने और अपने ग्राहकों के लिए किसी भी तरीके की छूट देने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया है। अब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे और इस वजह से फ्लैट्स की कीमतें बढ़ना निश्चित है। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 20% के करीब बढ़ गया है, जो कि 300 रुपए स्क्वायर फुट के करीब इंक्रीज हो गई है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई कैप लगाएं या कुछ कंट्रोल करें, अदरवाइज ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हर आदमी के लिए मकान मिलना बहुत मुश्किल होता जाएगा। कंस्ट्रक्शन लाइन में एक तो पेंडेमिक के कारण सेंक्शन में अप्रूवल्स की तकलीफ है, नया UDCPR आया है और उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस आने के कारण डिले हो रहे हैं, और मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण भी ये 2-3 इशू की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ा है, टाइम लैप्स भी हो रहा है और इससे कॉस्ट काफ़ी बढ़ेंगी आगे। तो अभी आप देखेंगे तो नए प्रोजेक्ट्स आना काफ़ी कम है। उसका रीज़न ये है कि अभी हम लोग भी, हमारी लॉबी भी डरी हुई है कि आगे क्या होगा, थर्ड वेव आएगी, क्या आएगी, फिर हमारे ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन एक फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है कोई भी चीज़ में। और गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के सैंक्शनिंग में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो डिले प्रोसेस है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके वजह से इंटरेस्ट बर्डन हम लोगों के ऊपर सैंक्शन करते करते ही 6-6 महीने निकल जाते हैं। और आजकल सैंक्शन के जो डिमांड नोट्स हैं वो एक 7-8 हज़ार फुट के प्लाट के ऊपर ही करीबन 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड नोट आ जाता है। तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है बिल्डर की, इंटरेस्ट का बर्डन द डे वन से शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के तरफ में जब तक के सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेगी, क्योंकि खुद का गवर्नमेंट का है सोच हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक को घर होना चाहिए। जब एक तरफ गवर्नमेंट सोचती है कि सबको घर होना चाहिए, हर एक आदमी ने अपने घर में इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, तो उसके वो साकार करने के लिए, वो लोगों के सपने को साकार करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठाना चाहिए। खुदरा सीमेंट की कीमतें 40% से 50% बढ़ गई है। मई 2021 में 250 रुपए में मिलने वाले 50 किलो सीमेंट बैग की कीमत जून महीने में बढ़कर 370 रुपए प्रति बैग हो गई है और जुलाई में इसकी कीमतें फिर बढ़ने की संभावना है। इसी तरह स्टील, जो बांधकाम में इस्तेमाल होने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसके मूल्य में भी तेजी देखी जा रही है। लोहे की कीमत 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो से 60 रुपए से 65 रुपए प्रति किलो हो गई है। इस साल जनवरी के बाद से पाइपिंग और इंसुलेशन सामग्री की कीमतों में भी लगभग 15% की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप राल और पॉलीमर की कीमतें भी बढ़ गई है। क्रेडाई नागपुर मेट्रो के सचिव गौरव अग्रवाल का कहना है कि स्टील कंस्ट्रक्शन का एक प्रमुख घटक है और उसकी बढ़ती कीमतें हमारे लिए चिंता का विषय है। हालांकि हम जितना हो सके लागत में बढ़ोतरी का प्रभाव पड़ने नहीं देने की कोशिश करे है, लेकिन यह मूल्य वृद्धि फ्लैट्स की अंतिम कीमतों के निर्धारण को प्रभावित कर सकती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।